तो दोस्तों, दुनिया का फास्ट 108 मेगापिक्सल कैमरा वाला फ़ोन को Xiaomi बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च करेगा, जिसमें 108 मेगापिक्सल का पंटा कैमरा यानी कि पांच कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और उसके साथ देखने को मिलेगा बहुत बड़ा बैटरी। और दोस्तों, ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया है Xiaomi का ट्विटर अकाउंट पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एंड गाइस, इस फोन को चाइना में MI CC9 Pro नाम पे लॉन्च किया जाएगा, जिसका बहुत सारा टीजर फोटो और स्पेसिफिकेशंस लीक हो गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी फोन के बारे में बताऊंगा, जैसे कि क्या कुछ मिलेगा, क्या होगा इस फोन का कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस, और साथ में ये भी बताऊंगा कि कितने प्राइस में कब आएगा इंडिया में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फोन की डिजाइन से। तो डिजाइन लगभग Redmi Note 8 Pro के जैसा ही होगा। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट ग्लास का बैग मिलेगा, जो कि ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ आएगा, एंड उसके साथ देखने को मिलेगा पंटा कैमरा, एंड पीछे की तरफ कोई भी फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इस फोन की डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों, इस फोन में आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, जो कि एक सुपर एमोलेड पैनल होगा, जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2340 पिक्सल, 19.5:9 का बॉडी टू स्क्रीन रेशियो देखने को मिलेगा। इन डिस्प्ले के अंदर ही देखने को मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और डिस्प्ले के ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा एक छोटा सा ड्रॉप नॉच कैमरा, जो कि होगा 32 मेगापिक्सल का, जिसका एपरेचर है f2.2। एंड रियर कैमरा के बारे में, जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि बैक साइड में पांच कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका मेन सेंसर होगा 108 मेगापिक्सल का, जिसमें सैमसंग का GW ON शायद से यही सेंसर यूज किया जाएगा। बाकी और एक 20 मेगापिक्सल लेंस देखने को मिलेगा, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल्स के लिए होगा, जिससे आप 170 डिग्री व्यू पर फोटो क्लिक कर पाएंगे, और एक 12 मेगापिक्सल लेंस जिससे आप पोर्ट्रेट फोटो क्लिक कर पाएंगे, और साथ में एक 2 मेगापिक्सल लेंस देखने को मिलेगा, जो कि डेप्थ सेंसर का काम करेगा। और अब बात कर लेते हैं इस फोन की प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों, इस फोन में आपको 2.4 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और उसके साथ स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि क्वालकॉम का बहुत ही पावरफुल चिपसेट माना जाता है। और अब बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी के बारे में। तो दोस्तों, न्यूज़ के हिसाब से इस फोन में आपको 5170 mAh की बैटरी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये फोन कितना वाट का फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा, इसके बारे में कोई भी अभी कन्फर्मेशन न्यूज़ नहीं है, पर इस फोन में आपको टाइप सी पोर्ट जरूर देखने को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इस फोन की लॉन्चिंग डेट के बारे में और प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस फोन की प्राइस शायद से 20 से 25 हज़ार के रेंज के अंदर हो सकता है। तो 20 से 25 हज़ार के रेंज के अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है 108 मेगापिक्सल रियर कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का ड्रॉप नॉच कैमरा, स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर और 5000 mAh की बैटरी। और अब बात कर लेते हैं इस फोन की लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो दोस्तों, MI CC9 Pro सबसे पहले चाइना में लॉन्च होगा 5 नवंबर को, उसके बाद बहुत ही जल्द आएगा इंडिया में। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, इस फोन की कैमरा साहब 50x तक जूम भी कर पाएंगे। जी हाँ, 50x बहुत होते हैं भाई साहब। और हाँ, प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।